viewers, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we'll discuss the next part of subject verb agreement. Earlier we have discussed three rules, now we come to fourth rule. ये है कि कुछ noun दिखने में तो singular होते हैं लेकिन उनका use plural होता है और उनके साथ में verb भी plural होती है. So we'll see some examples of these. First is cattle. Cattle animals का group, बट पर्टिकुलरली इसमें काउज जाती हैं कैटल में. कैवलरी, कैवलरी होती है घुड़सवार, घोड़े पे जो सवार सेना होती है, आर्मी होती है, वो होती है कैवलरी. फिर इन्फेंट्री, इन्फेंट्री में जो पैदल सेना होती है वो आती है. जेंट्री मीन्स जो अपर क्लास के जो लोग होते हैं, जो जो हाई क्लास, एलीट क्लास या जो रिच पीपल होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो लोग होते हैं, वो क्या आते हैं, जेंट्री होते हैं. नाउ पोल्ट्री, पोल्ट्री तो आपने सुना ही होगा, मुर्गी फार्म होती है वो. देन पीजेंट्री, पीजेंट्री होता है वो किसान जो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको पीजेंट्री बोलते हैं. देन चिल्ड्रन एंड पुलिस, आजकल तो पुलिस का रोल आपने देख ही रहे हो कोरोना के टाइम में. इनके साथ में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है जिससे ये सिंगुलर बन जाए, ये हमेशा प्लूरल में होती है. देन पीपल, पीपल्स, कभी कभी आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है पीपल्स, पीपल का अर्थ होता है लोग, लेकिन पीपल्स का जब मीनिंग आता है तो इसका मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट रेस के लोग. मीन्स अगर किसी कंट्री में जाके आप देखते हो कि कुछ ग्रुप है इंडियंस का ग्रुप है तो उनको हम बोलेंगे पीपल्स, या फिर इंडिया में कुछ ब्रिटिशर्स रह रहे हैं किसी जगह पे, किसी कॉलोनी में, तो उनको, उनके लिए यूज होगा पीपल्स. लेकिन पूरी वर्ल्ड के लिए हम अगर लोग बोलना है तो हम पीपल यूज करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं इनके, लाइक कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा कभी भी, हमेशा कैटल ही होगा और इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल है. द इन्फेंट्री बिगेन, ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बिगेन टू डिप्लॉय एट डॉन. द पुलिस इज नहीं होता, पुलिस आर होता है, स्टिल ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द कोज ऑफ फायर. दे आर द एग्जाम्पल्स. नाउ द फिफ्थ रूल इज कि इफ़ देर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, कोई सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, अगर वे सेंटेंस में अगर जुड़े हुए हों कुछ पर्टिकुलर वर्ड से तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी. जैसे वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स कौन कौन से हैं, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एंड नोट, एंड नोट, इन एडिशन टू, रेदर देन, अकम्पनीड बाई, नो लेस देन, नथिंग बट. ये सारे के सारे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में हमेशा क्या आता है, यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं होगा, सॉरी ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है सिवाय, एक्सपेक्ट नहीं है, ये एक्सेप्ट है. इसको अगर आप करेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं. दैट इज़ नथिंग बट, एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स सो दैट यू कैन ईजिली सोल्व क्वेश्चंस. लाइक वी विल सी द एग्जांपल्स. राम एज वेल एज हिज वाइफ इज कमिंग. यहाँ राम और उसकी वाइफ है और इसके जो किससे ज्वाइन है, एज वेल एज से ज्वाइन है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, राम के अकॉर्डिंग आएगी. सेकंड इज अ मैडन विद मेनी वर्ड्स ऑफन चूजेस द वर्स्ट. अ मैडन के लिए आया ये वर्ड्स, मीन्स जो राजी करने वाले, उसको मनाने वाले लोग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं आई है जो वर्ब, चूजेस सिंगल वर्ब है यहाँ पे, तो वो किसके अकॉर्डिंग आई है, मैडन के अकॉर्डिंग आई है. अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नोट डीड्स इज नोबडी, वन, एनी वन, मैनी, मैनी अ, मोर देन वन, एक्सेट्रा, जो आते हैं वो अपने साथ में सिंगुलर लेते हैं, जो जिनका मीनिंग सिंगुलर होता है तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज होता है. जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ कम, ईच के साथ में सिंगुलर ही तो नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी. जैसे एवरी वन इज़ बोर्न किंग एंड मोस्ट पीपल डाई इन एग्जाइल. एवरी वन के साथ में वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है. लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है,
कि यहाँ मैंने नोट लिखा इफ़ ईच एवरी वन, ये जो तीनों वर्ड है इनके साथ में ऑफ लगा हुआ होता है इनके बाद में, तो नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वो कैसे आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे ईच ऑफ, ईच के बाद में ऑफ लगा है और उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे देम, यहाँ पे ही शी नहीं होगा, इसका प्लूरल होगा, ही शी इट का प्लूरल होता है देम या दे। तो Having their own room, यहाँ पे verb देखो, verb किसके according आई है, each के according आई है, means singular verb use हुई है। One of these days is none of these days, one of के बाद में these days है means plural है, और उसके बाद में verb कैसी आई है, singular। I hope you understood this one। और second जो rule है वो ये है कि each अगर use होता है तो उसके बाद में जो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है तो हम क्या यूज करेंगे, हम उसमें यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ईच किसके बाद में आता है, मीन्स सिंग प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद आता है तो हम उसमें प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे वी ईच हैव अ सेपरेट बेडरूम बट शेयर अ कम्युनल किचन, वी के बाद में ईच आया है तो यहाँ पे वी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब होगा। जैसे हैव, यहाँ पे हैज नहीं आया, यहाँ पे हैव आया है, तो दैट इज़ द थिंग हेयर। सेकंड जो इसमें सेंटेंस है वो ये है, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आर नेशन, इसमें भी आपने देखा होगा हैव, ईच के बाद में हैव आया है जो क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज थ्री रूल्स। Now we can recap these rules. These rules are, first rule क्या है कि first rule ये है कि कुछ noun है वो दिखने में singular होते हैं लेकिन हमेशा उनका use होता है वो plural होता है। जैसे cattle, फिर ry से use कर सकते हो आप कि ry पे कौन कौन से word है, जैसे cavalry होगा, infantry होगा, gentry होगा, पोल्ट्री होगा, पिसेंट्री होगा, उसके बाद में चिल्ड्रन बच्चे होंगे, या फिर आजकल जो पुलिस देख रहे हो कोरोना वायरस में कोरोना वॉरियर्स के तौर पे ये काम कर रहे हैं, फिर आएगा पीपल। तो ये सारे के सारे हैं फर्स्ट रूल में। सेकंड रूल क्या है आपका कि कोई दो सब्जेक्ट होते हैं जो सेंटेंस में होते हैं और वो कोई पर्टिकुलर वर्ड से जुड़े हुए हो तो उनकी जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे एज वेल एज, विद अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक अनलाइक, बट बिसाइड्स, एक्सेप्ट एंड नोट, इन एडिशन टू, रेदर देन, एकम्पनीड बाई, नो लेस देन, नथिंग बट, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। सिक्स्थ वन इज, या फिर थर्ड रूल क्या है, ईच एवरी, एवरी वन, सम वन, समबडी, नो वन, नो बडी, नन, मीन्स ईच और सम और नो कि जितने भी इनसे वर्ड्स बनते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव उनको ले सकते हैं, फिर वन को ले सकते हैं, मैनी ए होगा, मैनी अगर अकेला आए तब तो हम लेंगे इसमें प्लूरल का, लेकिन अगर मैनी के बाद में ए यूज होता है तो हम क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे या सिंगुलर वर्ब होगी, लेकिन अगर मैनी हो, ओनली मैनी हो, मैनी के साथ में ए नहीं हो तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इनके साथ में हमेशा सिंगुलर ही वर्ब, नाउन और प्रोनाउन आएगी। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ईच एवरी वन के बाद में ऑफ आता है तो उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। दूसरा इसी में नोट लिखवाया है जो इम्पोर्टेंट बात है कि ईच है वो अगर किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज होता है तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, press the bell icon so that you can get notification whenever I upload new videos, and join my telegram channel and I will give it in description box and as well as in comment box so that you can join and you will get PDF of this video. Till then, bye, have a nice day.